आधे संडे, तो संडे को हम फ्रूट को अच्छे से सब कट करके फिर खाते हैं, बिकॉज और डे तो टाइम नहीं लग पाता, तो संडे को हम फ्रूट्स कट कट के खाते हैं। आप सब भी खाओ। कैसा है बेबी? फ्रूट्स तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, है ना बेबी? फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, सबको खाना चाहिए, है ना बेबी? टेस्टी से हाय हाय, वेलकम कर दो। आज वेलकम ही नहीं किया सबका अपन ने। हेलो गाइस, अब हो चुकी है गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। वेलकम टू ए मेरा मॉम लाइफस्टाइल। और हम खा रहे फ्रूट्स। संडे को सब काम लेट लेट हो जाता है, बिकॉज लेट उठना होता है, और हम खा रहे हैं फ्रूट्स। ओके, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ थोड़ा खुद को पैम्पर किया जाए, थोड़ा स्किन केयर किया जाए, थोड़ा हेयर केयर किया जाए। हेयर मुझे वॉश करने हैं, तो मैंने सोचा स्किन केयर करूँगी मैं पहले और फिर हेयर केयर। मुझे कॉर्ड पड़ी है, मैं एलोवेरा लेने गई थी, उस साइड एलोवेरा तो टाई टाई फिश कर दिया। मतलब कि जो वो दीदी है, जो मेरी जेठानी है, उन्होंने वहाँ से हटा दिया, वो फेंका है। तो मतलब जो पौधा था वो उन्होंने तोड़ दिया और फेंका है। तो अब मुझे बस कर्ड पड़ी है। मैंने तो सोचा था एलोवेरा साथ में डाल के अच्छा हो जाता, अब मेरे पास कर्ड पड़ी है। उस कर्ड में मैं लेमन डाल के, बिकॉज मेरे डैंड्रफ मुझे लग रहा है, सो वो डाल के मैं लगाती हूँ, और फिर आफ्टर 1-2 आवर इतने मेरा जो काम है घर का वो फिनिश हो जाएगा, और फिर मैं बाथ ले लूँगी, हेयर वॉश कर लूँगी, तो मेरे हेयर अच्छे हो जाएंगे। और स्किन केयर भी कर लेती हूँ, थोड़ी मुझे टैनिंग लग रही है हल्की सी, सो मैं बेसन में कर डाल के और जो भी हल्का फुल्का हनी वगैरह डाल के वो लगाती हूँ। सो लेट्स गो, आज संडे है तो खुद को पैम्पर करते हैं थोड़ा, एंड स्किन हेयर केयर करते हैं। सो लेट्स गो। मेरे पास पड़ी है कर्ड, और इसमें मैं डालूँगी लेमन एंड कोकोनट ऑयल अच्छे से, फिर मैं इसको मैश करके और फिर मैं हेयर पे लगाती हूँ, फिर मेरे अच्छे अच्छे शाइनी स्मूथ सिल्की बाल हो जाएंगे। ठीक है, और मैं लेमन को भी डालती हूँ इसमें फटाफट। सो लेट्स गो, चलो करती हैं। देखिए गाइस, मैंने इसमें लेमन डाल लिया है एंड कोकोनट ऑयल भी डाल लिया है, एंड एलोवेरा जेल मैं ये वाला डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो तो अब है नहीं, लेकिन वर्क ज़्यादा वही करता है जो घर का एलोवेरा होता है। अभी भी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है, मैं यही डाल लेती हूँ, और फिर मैं फटाफट बना के लगाती हूँ हेयर पे। यहाँ पे मेरा सब कुछ देखो, मैंने अच्छे से मैश कर लिया अच्छे से। अब मैं हाथ से ही लगाऊंगी, मुझे ब्रश वगैरह से ही ताम झाम पसंद नहीं है, फटाफट लग जाएगा। एंड फटाफट मैं निकाल के थोड़े थोड़े हेयर और अच्छे से लगा लेती हूँ फटाफट, यू नो। You slip in, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और देखो बन बना लिया है अच्छे से हेयर्स में, कार्ड वगैरह जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर बाथ। ओके, यहाँ पे मैंने हेयर मास्क तो लगा लिया जैसे कि आपने देखा है, एंड अब मैं लगाती के लिए क्या हूँ, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी दही, एंड थोड़ा सा शहद, एंड थोड़ा सा रोज वाटर जो होता है, एंड थोड़ी सी जो वो होती है क्या बोलते हैं सब मुलहटी पाउडर। तो ये चार चीज़ें मैंने इसमें डाली है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर लगाऊँगी मैं मेरी फेस पे, और फिर चमक उठेगी मेरे हेयर एंड फेस। ओके, सो आप सब भी ट्राई करना, बहुत अच्छा पैक होता है ये टैनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए, एंड स्किन वाइटनिंग के लिए। वाइटनिंग के लिए जो ये मुलहटी पाउडर है ये, और कर्ड और बेसन जो है, मतलब ये है हमारे टैनिंग के लिए, और शहद जो होता है वो हमारी स्किन को टाइट करता है। तो बहुत अच्छा पैक है स्किन के लिए, सो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ओके, और मुझे ज़रूर कॉमेंट में आके बताना भी कि आपको इससे कुछ फ़र्क लगा, आपकी स्किन पर वर्क किया या नहीं किया। ओके, तो लेट्स गो, मैं भी लगाती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने फेस पैक लगा लिया है जैसा कि आप देख रही हैं, एंड ये बच गया है, इसे मैं फ्रीज कर दूँगी, कल यूज़ कर लूँगी। सो लेट्स गो, मैं
ये लगा लिए जैसे कि मैंने, आप मुझे देख रहे हैं, सो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, इसे ड्राई करूँगी अच्छे से, देन मैं बाथ लेके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके सो गाइस, मैं बाथ लेके आ चुकी हूँ आप सबके सामने और देखिएगा मेरी स्किन कितनी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है और बाल भी अच्छे अच्छे सिल्की सिल्की स्मूथ से हो गए हैं। ये देखिएगा गाइस, बिल्कुल अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया स्किन पे, जस्ट अभी बाथ लेके आई हूँ। मैं बाथ लेके आती मैंने उसका एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मैंने स्किन पर, देखना बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी शाइन कर रही है। एक बार तो इतनी अच्छी हो जाती है ना स्किन सच में पैक लगाने के बाद। और वैसे भी हम पार्लरों में इतने इतने फेशियल करवा के आते हैं, यू नो कि फेशियल वगैरह के इतने इतने रुपये लगा के आते हैं, 1000-2000, उनसे तो बेस्ट रहता है कि घरेलू नुस्खे करो अपने घर पे होम रेमेडी, इनसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता और साथ में स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी प्रिपेयर हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड देखो और ख़ुद को पैम्पर करके अच्छा भी लगता है यार सच में। हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार पैक लगाना ही चाहिए और मैं लगाती हूँ। और घर पर ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बाहर तो पार्लरों पे जाओ इतने केमिकल्स होते हैं उनके अंदर और हमारी स्किन को कुछ ना कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। मैंने देखा है, मैंने वन टाइम करवाया था तो फेशियल, तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना मतलब लगा भी नहीं कि मेरी स्किन पे कुछ वर्क किया हुआ है। एंड मुझे पिंपल्स भी हो गए थे, तो मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। सो आप घर के ही ये फेस पैक वगैरह यूज़ कीजिए, उससे अच्छा इफेक्ट मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इनसे कोई भी अगर हमारे स्किन पे प्रॉब्लम है ना तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, रोक देती है उसी जगह पे। सो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाला पैक आप, और बताएं देखना बिल्कुल कैसे शाइन करनी है। और मेरा हेयर मास्क भी वर्क कर गया, देखो बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं हाथ, बालों ऐसे निकल रहे हैं, एक भी उलझन नहीं आ रही है, मतलब बाल अच्छे हो गए हैं। सो लेट्स गो। बेबी ने अपने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है ड्रेसिंग के ऊपर। क्या खेल रहे हो बेबी आप? अच्छा होटल, होटल होटल खोल रखा है क्या? ग्रेप्स वगैरह मिलते हैं भाई इस होटल में किसी को खाने है तो? ओके गाइस, कितना प्यारा मौसम हो गया है, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, मौसम हो गया प्यारा प्यारा, चल रही है बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बाहर ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ये देखिएगा गाइस, वो रिमायरा बेबी, से हाय बेबी, हवा चल रही है बाहर बहुत अच्छी। गाइस कितनी भयंकर बारिश आ चुकी है, अभी ये बंद करने जा रही हूं भयंकर। नो कुछ नहीं लेके आना, उसमें मैंगो जूस है, बाद में ले आएंगे। ये देख किचन बंद करने बेबी, वो टॉवल तो अच्छा करा 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 करा। बारिश आ गई है बहुत तेज और हमें करना था लंच, तो हम लंच लेके आए। काम काम बेबी काम, कम है यार, फटाफट लंच करेंगे फिर। नोना ऐसे मत करो, फिर बारिश में भीग जाओगे लड्डू। वेरी गुड, चलो अब लंच करते हैं। हम लोग आए हैं टेरिस पे, देखो ऊपर पानी भरा हुआ है, बारिश आई है, मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा प्यारा सा। और अब हम चलते हैं फटाफट नीचे। गाइस हम नीचे चले गए थे, दोबारा मेरे को खींच के ऊपर ले आई टेरिस पर। और कितना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है ना बेबी? हाँ जी मम्मा। उस साइड हमारे खेती खेत है उस साइड, और फिर इस साइड हमारे घर स्टार्ट हो जाते हैं गांव के, है ना बेबी? देखिए गाइस यहाँ पे आपको खेत दिख रहे होंगे, यहाँ जाके खेत है, गेहूँ कट गई है तो इसलिए खाली खाली लग रहा है। उस साइड खेती खेत है और इस साइड सब घर ही घर है। ये है हमारा गांव सैनीपुरा हांसी, राइट बेबी? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, बाय।